বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার ভারতীয় জনতা জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণুদেব বর্মন, প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক টিঙ্কু রায় এবং জনজাতি মোর্চার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। বর্ণাঢ্য এই অনুষ্ঠানে বিশাল সংখ্যায় জনজাতির নারী ও পুরুষ সহ দলীয় কর্মকর্তারা অংশ নেন। অনুষ্ঠানে আদিবাসী দিবসের তাৎপর্য নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা বলেন যে রাজ্যে দীর্ঘ যুগ ধরে জাতি এবং জনজাতির সমাজ হাতে হাত মিলিয়ে বসবাস করে চলেছে। মিলনের এই ঐক্যের সুরকেই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠনের কাজে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। জনজাতিদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য রক্ষায় ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন প্রয়াসের কথা উল্লেখ করেন তিনি। ये बांस का घर ऐसा भीतर से हम देखते थे किस तरह शैतान बांस में थे, किस तरह गहना रहते थे, कितना रिच था हम लोगों का कल्चर। तो ये आप जो देखा मैंने कहा ये आपको हम लोगों और आपको पूरे डिस्मस करो, खाली ये खाली करे ना, खाली खेल कूद हो, ये कल्चर जो डेवलपमेंट है, क्या इतिहास है त्रिपुरा का, ये सब खाली हम लोग करे ना, तभी आने वाला दिन जो है हम लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है वो आगे বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে নীতি আয়োগের বৈঠকে তাঁর সাক্ষাৎকারের এবং খুশির অনুভূতি আমন্ত্রিতদের সঙ্গে ভাগ করে নেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। নীতি আয়োগে और वहाँ पर ढेर सारे चीज बात हो रहा है और कोई भी बात ऐसा नहीं है पॉलिटिकल बात है, वहाँ पर सभी चीफ मिनिस्टर ना थे और उन्होंने जिस तरह एड्रेस किए कि नीति आयोग जो है इसका मतलब क्या है और जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी एनडीए का जो सरकार चल रहा है, ये सबके लिए सबका साथ बात हुआ है, सबका विकास और विश्वास और तत्पर वो नीति आयोग में अपनाने के लिए उन्होंने कहा और वहाँ पर सभी हमारा बीजेपी गवर्नमेंट का नहीं है, दूसरा पार्टी का भी गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर थे, उन लोगों को भी उन्होंने आह्वान किए हैं कि हम जो উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন তাঁর ভাষণে বলেন প্রকৃতির শক্তিকে যারা আপন করেছে তারাই আদিবাসী। ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে দেশের জনজাতি এবং আদিবাসী অংশের মানুষের একাত্ম বোধের কথা তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন জিষ্ণু দেববর্মন। कल्चरल नेशनलिज्म सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में हम विश्वास करते हैं, संस्कृति हमको जोड़ता है और इंग्लिश शब्द में हम तो संस्कृति को अनुवाद करते हैं तो क्या होता है उसको कल्चर बोलते हैं, कल्चर संस्कृति नहीं है, संस्कृति है जो मूल्यों को जो संस्कार हमारे पे है, प्रकृति को सम्मान देना, सारा पृथ्वी दे रहा है, प्रकृति से सृष्टि होता है, प्रकृति से प्रलय भी होता है और ये बात हमको सिखाया हमारा जनजाति समय समाज ने, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इंटरनेशनल अंतरजातीय इंटरनेशनल हम लोग इंडिजिनियस पीपल्स डे मनाते हैं कि वो मूल्यबोध जो है जनजाति के समाज में वो मूल्यबोध के बिना भारतवर्ष या पृथ्वी उन्नति नहीं कर सकते। हमने त्रिपुरा में हम लोग पानी को पूजा करते हैं बिकॉज वाटर इज लाइफ। বিজেপি দল সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদের বিশ্বাস করে বলেই দেশের এবং রাজ্যের আদিবাসী সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে রক্ষায় সবসময় কাজ করে চলেছে বলে জানান উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন। অনুষ্ঠানে মনোমুগ্ধকর জনজাতি সঙ্গীত দিয়ে মঞ্চ মাতিয়ে রাখেন বিশিষ্ট জনজাতি সঙ্গীত শিল্পীরা। ব্যুরো রিপোর্ট,
राइजिस्ट न्यूज़।